नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा कलेक्टर ने 12 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 अपराधियों को हुए जिला बदर के आदेश। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 12 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। इन 12 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण ये कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में फौजदारी अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बार बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आम जनता के लिए हितकर नहीं है, जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित महुगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही यह रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मोनू उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह 36 वर्ष निवासी पीटीएस चौराहा, मन्नू उर्फ मन्नूलाल प्रजापति 22 वर्ष निवासी अमरैया टोला निपनिया एवं भानु उर्फ भानुदेव पांडेय 25 वर्ष निवासी ग्राम गढ़वा जिला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी कैलाश उर्फ बाबा बंसल 22 वर्ष निवासी निपनिया, दिलीप साकेत 28 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। अनूप कुशवाहा 23 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, अजय पांडेय 22 वर्ष निवासी ग्राम छिवला वर्तमान निवास द्वारिका नगर रीवा तथा दीपकमल उर्फ कंचू चतुर्वेदी 27 वर्ष निवासी समान को भी जिला बदर के आदेश दिए गए। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आज की जो केसेस थे जिला बदर के, ऐसे तत्वों के खिलाफ किए गए हैं जो समाज में शांति भंग करते हैं, और चूंकि ये इलेक्शन का वक्त है, आचार संहिता भी लग गई है, तो ऐसे सभी तत्वों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हीं के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ऐसे लगभग 12 लोगों को आज जिला बदर किया गया है। साथ ही जो पूरे अगर हम लोग जनवरी से अभी तक देखें तो लगभग 80 से 85 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको जिला बदर की कार्रवाई की गई है। उद्देश्य ये है कि रीवा जिले में शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतदान सभी विधानसभाओं में हो, तो उसके लिए लगातार 107-16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान या मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से कोई अशांति फैलाने की कोशिश ना करे और किसी भी प्रकार से मतदाताओं को असुविधा ना हो। इसके पहले भी जिला बदर की कार्रवाई आप कर चुके हैं? जिला बदर की कार्रवाइयाँ लगातार होती हैं, और जब भी ऐसे केसेस आइडेंटिफाई होते हैं उनमें हम लोग सख्ती से निपटते हैं।